आप सभी को अंजलि का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? होप लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर एक चीज लेकर आई हूँ कि जो आपका टाइम पास करेगा बहुत ही बढ़िया। तो क्या होता है कि कई बार हम बैठे होते हैं, कोई हमारे पास काम नहीं होता, बड़ी बोरियत हो रही होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप इससे करेंगे ना, तो एक तो घर में शोपीस टाइप भी बन जाता है और बहुत अच्छे से टाइम पास भी होता है। और इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि मैं कहूँ कि आप नहीं कर सकते। तो ये मैंने वुड के ऊपर पेपर ट्रांसफ़र किया है। ये मतलब जो है फोटोग्राफ्स चिपकाई नहीं हुई हैं, ये उनका ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये मतलब फ़ोटो ट्रांसफ़र है ऑन द वुड। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए, वो मैं अब आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें बहुत ही कम सामान चाहिए। ये मॉड पॉज ग्लू है, जो कि मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में दिखाई थी, डिको पॉज का जब मैंने आपको दिखाया था। तो ये आपके पास पड़ी होगी वैसे तो। अभी हमें मेन तो ये ग्लू चाहिए। और जिस भी आपने वुडन किसी भी चीज़ पे करना है, तो मैं तो अभी आपको कोस्टर ही बना के दिखा रही हूँ। तो ये मेरे पास कोस्टर पड़ा हुआ है, मैं इस पर दिखाऊँगी आपको। और बस ब्रशेज़ हैं और ये स्पॉन्ज है, ये मैं आपको बताती हूँ। फिर थोड़ा सा पानी मैंने रखा हुआ है। तो आप किसी भी वुड पे इसको बना सकते हैं। अब जैसे कि ये जो है मैंने बनाया हुआ है, ये ऐसे लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, तो मैंने इस पे ब्लैक एंड वाइट बनाया था। और ये मेरा वैसे सबसे पहला था, तो थोड़ा ठीक नहीं बना मेरे से, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर आप देख रहे होंगे पूरा प्रिंट आउट नहीं आया था। तो और साथ में इसमें एक और गलती मेरे से हो गई थी कि क्या करना है कि अगर आपको कुछ प्रिंटेड लिखा हुआ कोई मैटर है, अगर वो आपको उस पर प्रिंट आउट चाहते हैं, तो आप रिवर्स प्रिंट आउट करवाइए फ़ोटो को। क्योंकि जब हम उसको उल्टा चिपकाते हैं और जब वो चिपकता है, कि जैसे ये है मेरा 60th विद अंजलि लिखा हुआ, ये देखिए, तो ये सीधा अगर होएगा ना, क्योंकि हमने इसको पहले उल्टा चिपकाना है किसी भी चीज़ पर, तो वो हमारा जब हटेगा प्रिंट आएगा तो वो उल्टा आएगा। तो इसलिए आपको उल्टा चिपकवाना चाहिए और फिर हमें उसके ऊपर पेस्टिंग करनी चाहिए। तो बस कुछ भी आप ले सकते हैं वुडन। आपके पास घर में कोई फ़ोटो फ्रेम पड़ा है, पुराना हो गया है, उसकी वुड पे या किसी भी चीज़ पे आप ये जो है इसको कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरा वुडन ब्लॉक था, मेरे को था कि मैंने इस पे कुछ बनाना है, तो मैंने ये अपनी पिक है जो, तो उसके साइज़ के हिसाब से आपने जितना बनाना है ना, उसका आपको एक प्रिंट आउट जो है प्रिंटर पर निकलवाना पड़ेगा। कलर बनाना चाहते हैं तो कलर निकलवा लीजिए। और फिर जैसे ये आया था बनकर, तो मैंने इसकी कटिंग कर ली कि मेरे को ऐसे हाफ लगाना है इस पर। तो अब हमको इसको उल्टा पेस्ट करना है ऐसे। तो इसके लिए मैं अब इधर मॉड पॉज लगाऊंगी ग्लू और इसको फिर जो है उल्टा इस पर चिपका दूंगी। और फिर इसको 24 आवर्स तक हमें रखना पड़ता है। और उसके बाद फिर क्या करना होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो पहले हम इसको चिपकाते हैं इस पर। तो ये मैंने मॉड पॉज ग्लू इसके ऊपर अच्छे से प्रिंट की साइड ही लगा दी है, पूरा कॉर्नर्स अच्छे से इसको बिल्कुल लगाएं। और इसको फिर जो है हमें उल्टा, इसको प्लेसमेंट जैसे आपने करनी है, इसको हमको ऐसे उल्टा चिपकाना है। और अगर ग्लू कम लग रही है तो थोड़ा और इसके नीचे अच्छे से वुड पर लगा कर पूरा इसको अच्छे से स्टिक ऑन करना है। कहीं पे कोई एयर बबल या कोई कुछ नहीं रहना चाहिए। अब इधर से भी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इधर भी थोड़ा सा इसको और लगा रही हूँ। तो किसी भी कार्ड से आप थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर दे, तो एक्स्ट्रा ग्लू और कोई अगर एयर है इसमें बिल्कुल एयर नहीं होना चाहिए, टाइटली एकदम ये चिपकना चाहिए। और कहीं पे लगे, जैसे यहाँ पे अब लग रहा है हमें कि अभी नहीं चिपका, तो जो है मैं यहाँ पे थोड़ी सी और ग्लू अभी अंदर लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से स्टिक ऑन हो जाए बिल्कुल। इसको अच्छे से बिल्कुल टाइटली एकदम, कहीं से बिल्कुल एयर स्पेस ना रहे, नहीं तो फिर उसका प्रिंट सही नहीं आता जब हम इसको बाद में करेंगे। ये जो है अब अच्छे से मैंने इसको स्टिक ऑन कर दिया। अब इसको हमें 24 आवर्स के लिए रखना होता है। अब मैंने एक पहले ही बना ली थी जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं आज कि कैसे हमको बनानी है। तो मैंने ये देखिए एक और मैंने पहले ही बना कर रख ली थी, तो इससे मैं अब आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। अब क्या करना है, या तो आप कोई टॉवल ले लीजिए गीला, मैं ये स्पॉन्ज से इसको अच्छे से वेट करना है।
तो ये मैं इसको अच्छे से गीला कर रही हूँ जिससे कि पेपर बिल्कुल अच्छे से गीला हो जाए। एक्चुअली में हमें ना इसका ऊपर से स्क्रैप करना होता है पेपर, तो प्रिंट आउट जो होता है वो पूरा नीचे आ गया होता है उस पर। तो मैं इसको अच्छे से वजह से वेट करके, हल्का हल्का हम ऐसे करेंगे तो ये ऊपर से पेपर जो है उतर रहा है। अभी थोड़ा सा मैं और इसको वेट कर रही हूँ, कई जगह से नहीं हुआ। और इसको हल्के से तीरे से फिंगर से हमको यूं हम रोटेशन में करेंगे तो ये जो पेपर है ना ये उतरता जाएगा। ये देखिए स्क्रैप हो रहा है जैसे पेपर। फिर मैं थोड़ा और पानी लगाऊंगी क्योंकि कई जगह से अभी ये वाइट है, गीला नहीं हुआ। अब ये देखिए नीचे जो है आपको दिख रहा होगा कि अब ये फोटो निकलनी शुरू हो गई है और ऊपर से पेपर हटता जा रहा है। थोड़ी पेशेंस से बस इसको करना होता है, धीरे धीरे, जल्दी नहीं करनी नहीं तो सारा ही उतर जाएगा और बिल्कुल वुड पेपर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हल्का हल्का करके हम ऐसे पूरा पेपर उतार रहे हैं, नीचे जो प्रिंट आउट है वो बुट पे मरा आ जाएगा। अब ये देखिए इसके ऊपर से सारा पेपर उतर गया है, अब ये प्रिंट आउट रह गया। थोड़ा पेशेंस से ये काम करने वाला है कि धीरे धीरे इसको बस रब करते जाएंगे ना हम पानी लगाकर, तो ये जो है सारा उतर जाएगा। ये सब जो है अब एक्स्ट्रा उतर गया है, अब ये प्रिंट आउट जो है ये वुड पर आ गया है। बहुत ही मज़ा आता है इसको करने में और इतना बढ़िया टाइम पास है ना ये। और घर में सजावटने के भी काम आ गया और आपका टाइम भी पास हो गया और आपने एक नई चीज़ भी सीख ली। तो बस अब ये देखो ये पेपर उतर गया है और ये जो प्रिंट है इसके ऊपर हो गया है वुड पर। अब जो है ये मॉड पॉज जो है इसके ऊपर बस अब हम लगाएंगे ताकि ये जो है इसका प्रिंट है जो पक्का हो जाए। एक तो इससे शाइन भी आ जाएगी और पूरे पे ही लगाइए, इससे जो है पूरे पे बहुत अच्छा फिर इसकी शाइन बन जाती है। और इसको फिर 24 घंटे के लिए फिर हमें रखना होगा ताकि ये सूख जाए अच्छे से। अभी मॉड पॉज लगाया हुआ है तो गीला है, 24 आवर्स के बाद ये सूख जाएगा और फिर बस ये भी ऐसे ही बन जाएगा जैसे कि ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये देखिए ये फोटो। तो बस आप भी कोई अपने घर की कोई भी पिक्चर है लीजिए, कोस्टर्स पे या कोई सी वुड बेस पे, किसी भी चीज़ पे, कोई लकड़ी के कोई भी बेस जो आपको मिले, आपको लगे कि आप उसको लगा सकते हैं घर पे, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसको ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया मॉड पॉज के साथ उसको लगाकर और बस फिर बैठ कर उसको हल्का हल्का स्क्रब करिए पर 24 आवर्स उसको जरूर सूखने दीजिए, नहीं तो वो जो है प्रिंट आउट सही नहीं आता है। सो गाइस बस फिर कुछ सीखूंगी नया तो आपके साथ फिर बैठ के उसको बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी उसको भी। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इन सब नई नई चीज़ों को सीखने में। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा और आप भी ये ज़रूर बनाएंगे। एक बार फिर बोलूंगी कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। नमस्कार।